एक शब्द को अपने हिप्स कर ले। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं कभी कभी मदरसों में चला जाता हूँ, इतना दिल खुश हो जाता है कि एक छोटे से बच्चे से मैं कहता हूँ, जरा भाई कुरान शरीफ का कोई पारा सुना, कोई श्लोक सुनाओ, तो वो मुझे सुना देते हैं, तो मैं अचंभित रहता हूँ। क्योंकि कुरान शरीफ एक इतनी बढ़िया कि हिफ्ज होना, इतने बड़ी किताब हिफ्ज होना बहुत बड़ी बात है। और वो हिफ्ज होना, वो कहते हैं कि ये आदमी मर गया, कुरान शरीफ हट गई, मगर जिस बच्चे ने कुरान शरीफ को हिफ्ज किया हुआ है वो कहां से आएगा? वो तो बच्चे के पास रहेगी, फिर खड़ी हो जाएगी वो कुरान शरीफ, तो फिर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों ने हिफ्ज कर रखा है, उसको कौन मारेगा? तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, इल्तिजा है कि कुरान शरीफ को हमेशा पढ़े। मैं भी पढ़ता हूँ कुरान शरीफ के साथ साथ गीता को भी मैं पढ़ता हूँ, कि उनमें मुझे कहीं भी ऐसी बात नहीं लिखी होती, इसको तोड़ो उसको हटाओ, सब में यही लिखा कि आपस में परस्पर प्रेम रहना चाहिए, इंसानियत का मादा होना चाहिए, सब प्रेम के बूते हैं, प्रेम के साथ रहें। और मैं कहता हूँ कि इसका प्रचार प्रसार जितना भी हो वो कम है, प्रचार प्रसार पूरे विश्व में होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, कि पवित्र कुरान शरीफ को हमेशा लोग पढ़ें और उतारें कि हमें इससे क्या लाभ होगा। इससे लाभ ही लाभ होगा, कभी नुकसान वाली जगह नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि ऊपर वाले ने पवित्र कुरान शरीफ को पैदा किया और हमारे अंदर बीच में लेकर आए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके अनुयायी बने, किताब शरीफ को पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।